हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माही। कैसे आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं करा रही हूँ मतलब फिर से मेकअप एंड हेयर विद पल्लवी जी एंड प्रिंस जी। हेलो, हाय। तो ये दोनों करने वाले हैं मेरा मेकअप। ब्राइडल मेकअप होगा ना? यस यस। और हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइलिंग ब्राइड प्रॉपर इंडियन लुक। प्रॉपर इंडियन लुक, ओके। सो वीडियो में बने रहो, एंड तक देखना। आई होप कि आपको पसंद आएगी। मैं बीच बीच में आपको दिखा दे रहूँगी मेकअप एंड हेयर कैसे बन रहे हैं। सिंपल दे दो यार, फिर एकदम इसे लिख लो ना, नोट कर लो। मतलब इसी रेंज यार, 5000 का। लेंस लग चुके हैं और नहीं रोना नहीं आ रहा। एक बार ना किसी और ने लगाए थे मेरे लेंस और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि वो चुभ रहे थे मुझे अंदर। बट ये तो बहुत ज़्यादा मतलब पता ही नहीं चल रहा। बनाए हैं इन्होंने, बैंकॉक का प्लम का। अभी हम प्लम का क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं बाइक से आई थी तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डर्ट है उसको निकालने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, देखो सीखो सच्चे से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते। उन्होंने भी नाक से सीखा है। लिपस्टिक लगाने वाला लुक चेंज हो गया एकदम। तुम बिल्कुल चेंज हो जाओगी लिपस्टिक लगाने के बाद। हाँ, ब्लू भी दे सकते हो। मुझे ये कलर बहुत पसंद है। व्हाइट काजल क्यों देते हैं लोग आंखों को बड़ा दिखाने के लिए? बटी बिरयानी बहुत ज्यादा है मेरे जैसे इंसान के लिए, शेयर करो प्लीज। अनन्या जी आ गए, हमारे एक मैनेजर है, ये हमारे सेकंड वाइस कैप्टन जैसे नहीं। हेलो। सो ये हमारा लंच टाइम है जिसमें लिपस्टिक अभी नहीं लगा, मतलब मैं क्यों लगाऊंगी, मैडम लगाएंगी। पतना मेरी मम्मी से इतना क्लस्ती है ना। आज तो हमारी रानी पद्मावती यहीं आ रही है। ठीक है, खिलजी गाँव गए अपने। ये नेकलेस बड़ा सुंदर है। बहुत सुंदर है ना, ये मैंने गिफ्ट। एक पिन ऐसे लगी जो कि एक होते ना, इसको ऐसे खोलो, ऐसे लगी खोलो एक पिन। तो पूरा मेकअप हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे। अच्छा, अब तुम्हारे ब्लॉग में ये भी आ गया है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मुझे इन लोगों को तो पता है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ठंड में भी कंट्रोल नहीं होती, फिर मेरे हाथों और पैरों में खुजली होने शुरू हो जाती है। मैं ज़्यादा फैन में भी नहीं रह सकती। क्यों भाई, पता नहीं क्यों ऐसे। अगर तुम्हें हम शिमला लेके चलेंगे फिर? मैं नहीं जाऊँगा शिमला, चली तो जाऊँगी लेकिन रह नहीं पाऊँगी। उससे भाभी जी घर पर आते जुड़ा आए मेकअप। और यहाँ के लिए कुछ है मतलब हल्की सी बिंदी छोटे सी? ओह एक्चुअली तुम फ्री बैठे हो ना, तुम्हें ये देखना वो इक्वल है या नहीं है।
ठीक है, एंड में इसको टचअप कहते हैं, चाहे वो मेकअप को हो चाहे वो हेयर को। ओके ब्रो, तो मेकअप डन हो चुका है, अब आ रही है शूट की। तो हम लोग फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, रील्स क्लिक कर रहे हैं, पल्लवी एंड प्रिंस मेकअप एंड हेयर अकेडमी के पेज के लिए। इनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे, चार पेज है ना, तीन पेजेज हैं। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लेना। और अभी हम लोग रील्स बना रहे हैं, और ये लुक आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, कौन सा पार्ट, लिपस्टिक अच्छी लग रही है, आई मेकअप अच्छा लग रहा है, या आईब्रोज, या ज्वेलरी, क्या मतलब क्या अच्छा लग रहा है वो आप कमेंट करके बताना। एंड अभी हम फोटो शूट कर ले, और रील्स आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगी, अब वहाँ जाके चेक कर लेना। अभी के लिए बाय। सो गाइस, हमारा फोटो शूट, रील्स एंड वीडियोस सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और मेकअप बहुत अच्छा, मेरा उतारने का मन नहीं कर रहा। मैंने बहुत सारी अपने दोनों फेजेस के लिए रील्स बना ली हैं, बट फिर भी जी नहीं भर रहा कि अब जाना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहा है, 7 हो गए और मैं निकल रही हूँ। एंड जो आप नाम पीछे देख रहे हो ना, पल्लवी एंड प्रिंस, ये सेम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी अकेडमी है, और इनके इंस्टाग्राम पे चार पेज हैं, आप जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप जाकर प्राइस और लोकेशन की बात कर सकते हो, लोकेशन आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, और जो भी डिटेल होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर नहीं समझ में आता इतना बताने के बाद भी, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ बता दूँगी। सो अभी के लिए मैं निकल रही हूँ घर। आई होप कि ये मेकअप आपको लुक और मेकअप पसंद आया होगा, एक्चुअली ये ब्राइडल लुक है, समझ ही गए होंगे बताने की जरूरत है। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके बता देना। बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलेंगे नए लुक के साथ।